Good morning, students. Today's topic is flip-flop. As well, in the last lecture, we have started the combinational building blocks and sequential building blocks. So, combinational building blocks you have already studied, and for the sequential building blocks, as I told you in the last lecture, that was inherited by the these are the additional building blocks. With the combinational building blocks, those have some additional facility like the memory element. Those have some storage facility. Actually, are called the sequential building blocks. So, in order to describe the sequential building blocks, we have two types of sequential building blocks: asynchronous sequential building blocks and synchronous sequential building blocks. So, how can we differentiate asynchronous and synchronous? Actually, asynchronous, as I told you, that you don't have a clock pulse. You have a memory storage, you have a memory element attached with it in the combinational block, but you don't have clock pulse. They are called latches. But when you have a memory element with you, but you don't have a clock pulse, they are latches. And while you have an additional clock pulse, then it will be converted into flip-flop. So we can say that ki hum flip latches se ko enhance karke usme clock pulse add karke hi flip-flop banate hain. राइट तो सबसे पहले जब हम फ्लिप फ्लॉप को पढ़ना शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट आर द लैचेस. तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर इज़ टू लर्न व्हाट आर द लैचेस. एसआर लैचेस विद इनेबल्ड क्लॉक पल्स मींस फ्लिप फ्लॉप. टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप: डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप आर द मेन टाइप्स. सो स्टार्ट विद द फ्लिप फ्लॉप्स फर्स्ट. So, the basic sequential circuit is a flip-flop, and flip-flop has a two stable states of output values, set and reset with the clock pulse. While sequential circuit is a type of logical circuit which output depends not only on the present input signal but also on the sequence past input. So, for the flip-flop, we have to design the latch first. In order to design the latch, we have basic latch design, SR latch. SR latch में हम सबसे ज़रूरी चीज़ समझने वाली ये है कि in this diagram, हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं. या तो हम NAND gate को use करके बना सकते हैं या फिर हम इसे NOR gate को use करके बना सकते हैं. इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि set और reset दो आपको इनपुट्स दिखाई दे रहे हैं. फिर उसके बाद दो इनपुट्स आपके जो हैं वो इंटरकनेक्टेड से दिख रहे हैं, एंड देन क्यू और क्यू नॉट हमारे पास दो आउटपुट दिख रहे हैं. राइट तो अब ये जो एस और आर है ये है क्या? एस इज़ कॉल्ड दी सेट वैल्यू एंड आर इज़ कॉल्ड दी रीसेट वैल्यू. क्यू जो है वो आउटपुट है और क्यू नॉट है उसका कॉम्प्लीमेंट. अगर हम एक बिल्डिंग सिंपल ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो हमारे पास सेट एक इनपुट होता है और Q और Q नॉट दो आउटपुट होते हैं, जिसमें Q और Q नॉट दो आउटपुट अलग अलग नहीं होते हैं. एक्चुअली जो Q की वैल्यू है उसका जो इन्वर्ट वैल्यू है वो हमारे पास Q नॉट होती है, बट जब स्टोर होता है तो सिर्फ Q की वैल्यू स्टोर होती है. आउटपुट देने के टाइम वो उसको उसकी इन्वर्ट वैल्यू भी प्रोवाइड कराता है, लेकिन स्टोरेज के टाइम पे हमारे पास सिर्फ ओरिजिनल Q वैल्यू स्टोर होती है. तो यहाँ पर सेम है. अच्छा, दूसरी ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जब हम NAND गेट के थ्रू लैच को डिज़ाइन करते हैं तो हमेशा ये याद रखना है हमको कि Q के सामने सेट होगा और Q नॉट के सामने रीसेट होगा. राइट जबकि जब हम नॉर गेट से इसे डिजाइन करेंगे तो क्यू के सामने आर होगा यानी रीसेट होगा और क्यू बार के सामने हमारा सेट होगा. ये हमेशा याद रखना है. नेक्स्ट, फ्लिप फ्लॉप को जब हम बेसिक डिजाइन देखते हैं तो देखिए यहां पर हम कर रहे हैं, अभी हमने इसको नैंड गेट से देख रहे हैं, तो नैंड गेट से एस जो है ये हमारा सेट है और आर हमारा जो है ये रीसेट वैल्यू है. आउटपुट एक्चुअली हमें जो है वो एक ही जगह मिलता है, इस क्यू की जगह पे. राइट, यही इनपुट भी होता है और यही आउटपुट भी होता है इस जगह पे हमारा. तो कैसे? क्योंकि जो हमारी क्यू नॉट की वैल्यू है वो सिर्फ इतनी इसकी कॉम्प्लीमेंट्री रहती है. और ये हमेशा याद रखना है कि अगर यहाँ पर वन आ रहा है तो यहाँ ज़ीरो ही आएगा, यहाँ ज़ीरो ही आ रहा है तो यहाँ पर वन आएगा, यानी ये वैल्यू हमेशा एक दूसरे को इन्वर्ट करेंगी. तो S की वैल्यू जो है वो हमारी, अगर सेट जनरली वन होता है तो आउटपुट हमारा ज़ीरो होता है, और रीसेट वन होता है तो आउटपुट वन होता है, यानी ये नहीं ये वाला आउटपुट वन होता है. राइट, आउटपुट अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ से होता है. तो अगर अब इसके बाद क्या होता है, जब हम यहाँ पर आगे देखेंगे तो
यहाँ पे नैंड गेट, तो नैंड गेट की ट्रुथ टेबल आपको आनी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि नैंड गेट कैसे होता है। तो नैंड गेट में क्या होता है कि जब हमारे दो इनपुट जो हैं ए एंड बी ट्रू होंगे तो हमारा क्या होता है, ट्रू होता है, बट आंसर क्या हो जाता है, उसका इन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये नैंड गेट है। सेम एज एस आर के लिए हम ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्स वाई नैंड गेट के लिए हमारे पास आउटकम्स क्या क्या आ रहे हैं। 0-0 के केस में 1 आ रहा है, 0-1 के केस में 1 है, 1-0 के केस में 1 है, और 1-1 के केस में हमारे पास 0 है। अब यहाँ पर जब जो हमारे सेट और रीसेट की वैल्यू है, उनके लिए भी हम यही कॉम्बिनेशन ले लेंगे, 0-0, 0-1, 1-0 और 1-1। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि क्यू और क्यू नॉट की क्या वैल्यूज़ आती हैं। ये हमें हमेशा याद रखना है कि जब क्यू की एक वैल्यू 0 है तो क्यू नॉट अपने आप ही 1 ही हो जाएगा, हमेशा उसका ऑपोजिट रहेगा। तो फर्स्ट वैल्यू अगर हम सप्लाई कर रहे हैं एस में, यानी सेट वैल्यू अगर हमारी 0 है, तो सेकेंड वैल्यू हमारी रीसेट की वैल्यू 1 जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बाईस्टेबल होता है, 0-1, 1-0, ये हमेशा दो स्टेट में काम करता है, या तो 0 या 1 के केस में, हाई और लो के केस में। तो हाई का केस हम तब बोलते हैं जब हमारा वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, जब 1 होती है, और लो केस तब होता है जब हमारी वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो यहाँ हम बोलेंगे कि एस की वैल्यू जब हमने 0 इनपुट करी है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू, और यहाँ 1 की वैल्यू जो आर की वैल्यू जो है वो हमने 1 करी है। अब अगर हम एस की वैल्यू नैंड गेट पे देख रहे हैं, तो 0-0 के केस में जब हम यहाँ पर देख रहे हैं एक्स और वाई में, तो हमेशा हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1 ही मिल रहा है। कोई भी 0 का केस ऐसा नहीं है जहाँ पे हमें यहाँ पर जो है वो 0 मिल रहा हो। तो यहाँ पर जब 0 है, तो यहाँ क्यू की वैल्यू हो जाएगी 0, और जैसे ही क्यू की वैल्यू 0 होती है, तो सॉरी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0-0 के केस में हमारी क्या है, 1 है। यहाँ नैंड गेट का आउटकम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर जब वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू यहाँ से ऐसे पास होगी यहाँ पर दूसरे गेट पर, और जब ये यहाँ कॉम्बिनेशन क्या गया, फिर 1-1, तो जब हम नैंड गेट पे देखेंगे 1-1 का कॉम्बिनेशन, तो हमारे पास आउटकम 0 आएगा। अब इसी 0 को जब हम प्रूफ करने के लिए देखेंगे, 0 जब हमने एस वाले गेट में पास किया, तो यहाँ कॉम्बिनेशन क्या हुआ, 0-0, और 0-0 का कॉम्बिनेशन क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये दोनों वैल्यू प्रूफ हो गई कि एस और आर के 0 और 1 का जब कॉम्बिनेशन होता है, तो हमारे पास क्यू और क्यू नॉट की वैल्यू जो है वो 1 और 0 आती है, राइट, जिनको हम बोलते हैं सेट वैल्यू। अब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हम चेंज करके देखते हैं। जब हमारी वैल्यू ये सबसे पहले एस नॉट में जब हमारी वैल्यू 1 गई, और यहाँ पर भी हमने 1 वैल्यू पास करा दी, तो जब दोनों वैल्यूज़ 1 गई हैं, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 1-0 वाला केस तो हमने पिछला देख लिया, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एस के साथ जब 1 का केस है, तो यहाँ वैल्यू क्या जा रही है, हमारी जा रही है वैल्यू 1 और 0, राइट। अब 1 और 0 जब वैल्यू जा रही है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमने क्या कंसिडर किया कि यहाँ पे आउटकम हमने लिया 1, क्यू को हमने कंसिडर किया 1। जब हम क्यू यहाँ पे 1 कंसिडर करेंगे, तो ये वैल्यू दूसरे गेट में क्या पास हो जा रही है, 1 ही पास हो जाएगी। तो आर आर के केस में अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर 1 पास हो रही थी वैल्यू, और दूसरी आर डैश में भी 1 पास हो रही है, और 1-1 के केस में हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो यहाँ 0 आ गया। अब ये 0 ऊपर पास हो जाएगा पहले गेट में, और यहाँ से जब ये वैल्यूज़ पास होंगी 1-0 का कॉम्बिनेशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास दूसरा हमारा कॉम्बिनेशन आ गया, 1-1 के केस में हमारे पास क्या आ रहा है, 1-0 आ रहा है। तो 1-0 आ रहा है, पहले भी यही वैल्यू आ रही थी, ये हमारी है होल्ड कंडीशन। होल्ड कंडीशन के बाद नेक्स्ट जब हम जाएंगे, अब तीसरी वैल्यू लेते हैं हम, एस की वैल्यू जब हमने 1 ली, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। जब हम यहाँ पर 0 लेंगे, अब नेक्स्ट हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, अब 1 और 0 के केस में, पहले हमने कौन सी वैल्यू ली थी, 1 और 0 के केस में देखेंगे वैल्यू क्या आ रही है, हम 1-0 और 0-1 के केस में देखिए 0 और 1, 1-0, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे या तो 0 होगा, 1-1 का केस हम देख ही चुके हैं, है ना, 1-1 के केस में 0 आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ 0 हुआ। जब हमारे पास 1 हमने यहाँ पास किया, यहाँ आउटकम 0 है, तो ये आउटकम गया हमारे सेकेंड लैच में, यहाँ पे वैल्यू 0-0 पास हुई, तो यहाँ पे 1 आ गया। और जब यहाँ 1 था, ये वैल्यू ऊपर वाले गेट में पास हुई, तो 1-1 क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो 1-0 के केस में हमको क्या मिल रहा है, 0-1। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन हो गई, 0-1, जिसमें कि वैल्यू उलट गई है। तो ये हमारी हो गई रीसेट की कंडीशन। रीसेट की कंडीशन के बाद नेक्स्ट हमारी होती है 0-0। तो 0-0 जब यहाँ पे हम लेते हैं 1 और 1, दोनों में हमने क्या किया, नेक्स्ट कंडीशन में पास कर दिया 1-1। तो 1-1 के केस में जब हम कंसिडर करेंगे, अगर हम यहाँ लेते हैं कि यहाँ पर भी 1 है, तो
यहाँ से वैल्यू क्या हुई, यहाँ पर भी वन पास हुआ, वन वन पास हुआ, तो वन वन के केस में क्या आता है, ज़ीरो। तो यानी कि क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। और क्यू ज़ीरो होने के बाद जब वो क्यू यहाँ पर पास होगा तो वो वैल्यू क्या दे देगा, यहाँ पर हमारी वन ऑलरेडी है हमारे पास। तो वन वन के केस में हमें क्या प्रूफ हुआ कि ज़ीरो वन वैल्यू मिल रही है, तो ज़ीरो वन वैल्यू मिल रही है। तो ये इस वैल्यू को रीसेट किया था, इसने इसे होल्ड कर दिया, राइट। और जब हम ये लेते हैं कि एस और आर दोनों में ही ज़ीरो ज़ीरो जाता है, तो वो केस हमारा क्या होता है, अलाउड ही नहीं होता है, ये उसको डिसअलाउ कर देगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह वन वन आ गया। और ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती है ना, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि क्यू जब है क्यू नॉट होना चाहिए यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर कभी भी वैल्यू, क्योंकि जैसे यहाँ पे हमने एस पास किया, इसने इन्वर्ट कर दिया, वन कर दिया, राइट। अब वन करने के बाद जब ये वन गया हमारे नीचे वाले गेट में, तो यहाँ पर वैल्यू क्या गई थी, जीरो वन। अब जीरो वन का जब हम आउटकम देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, नैंड गेट में वन आ रहा है, तो यहाँ पर वन आ रहा है, दैट मीन्स ये इसका इन्वर्ट हुआ नहीं, यहाँ पर वन आ गया। अब ये वन जब हम इसमें पास करेंगे तो यहाँ पास करने के बाद क्या हो जाएगा, जीरो और वन का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अब जीरो और वन के कॉम्बिनेशन में भी हमको आउटकम वन ही मिल रहा है, तो ये वन वन का केस। तो ये यहाँ पर आके एस आर लैच जो है वो स्टक हो जाता है, तो ये कंडीशन हमारी जो होती है ये डिसअलाउ हो जाती है। तो ये हमारी कंडीशन थी। अब इसके बाद जब हम इसको एस आर लैच जो अभी तक हमने पढ़ लिया कि हम लैच कैसे काम करता है, जब हम यहाँ देखेंगे तो ये पूरी कंडीशन लैच की है। अब इस लैच में क्या करेंगे हम कि यहाँ पर हमारे पास क्लॉक पल्स सप्लाई किया हमने और यहाँ पर दो नैंड गेट लगाए। अब इनका लॉजिक मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हमने क्लॉक पल्स क्यों सप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पर अगर जब हमारा क्लॉक पल्स जो है वो हमारा जीरो या वन पास करेगा, राइट, यहाँ पहले जो हमें जितना मिल रहा है वो पूरा लैच है, ये लैच आपको पता है इसकी वैल्यू कैसे जाती है। यहाँ पे हमारे पास सेट और रीसेट की वैल्यू आ रही है। अब ये सेट और रीसेट की वैल्यू जो है, यहाँ पर इसके पहले हमने क्या किया, दो नैंड गेट लगा दिए और दो नैंड गेट से हमारी कॉमन जो है वो क्लॉक इनेबल जा रही है। क्लॉक इनेबल यानी कि ये इस एस के साथ एक इनेबल पल्स जा रही है और इसके साथ एक क्लॉक पल्स इनेबल जा रही है, राइट, दोनों के साथ एक क्लॉक पल्स इनेबल जा रही है। अब अगर ये क्लॉक पल्स इनेबल में ज़ीरो जाता है, इस क्लॉक पल्स में दोनों तरफ ज़ीरो चला गया, तो हमको ये पता है कि ज़ीरो का मतलब क्या होता है, एंड गेट में तो तभी वो अलाउ करेगा जब उसके पास दोनों ही कंडीशन में उसका इनपुट हाई हो, क्योंकि एंड गेट क्या होता है, दिस एंड दिस, नॉट दिस और दिस, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा सी की इनेबल कंडीशन जो है वो हाई जाएगी यानी वन जाएगा, तो ये इसको आगे पास ऑन करेगा। अगर हाई कंडीशन नहीं जाती है, लो जाती है, तो इस वैल्यू को ये स्टोर कर लेता है। बाकी पूरी वर्किंग हमारी लैच की सेम टू सेम रहती है, सिंपल यहाँ पे हमारा जो इस इनपुट के साथ क्या चला जाता है, एक और क्लॉक पल्स चला जाता है। तो यहाँ पर सेम जो अभी हमने देखा कि लैच जिस कंडीशन में स्टक कर रहा था, जहाँ पर हमारे पास एस और आर दोनों वन जा रहे थे, तो उसमें क्लॉक पल्स जो है वो लो चली जाती है, क्योंकि आगे जाके जब ये इन्वर्ट होती है वैल्यू, तो ये ज़ीरो ज़ीरो पास हो जाती है यहाँ पर, राइट। जब एस और आर में वन जाएगा तो ये इन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। और जब ये ज़ीरो ज़ीरो होता है तो उस केस में हमारे पास क्यू और क्यू नॉट वन आ जाता है, जो कंडीशन हमारी डिसअलाउ हो जाती है। तो ये हमारा पूरा एस आर फ्लिप फ्लॉप का वर्किंग है। इसमें ट्रुथ टेबल भी बिल्कुल सेम वैसे ही हम बना सकते हैं जैसी हमने पिछली अभी एस आर लैच की बनाई थी। सिर्फ हमारे पास क्या है, क्लॉक पल्स इनेबल चली जाएगी, जिसमें हमें ये मेंशन करना होता है कि ये अगर हाई है तो ही वो आगे उसको इफेक्ट करेगी, अगर ये लो है तो उसकी वैल्यू को होल्ड कर लेगी। बाकी ट्रुथ टेबल और सारा डायग्राम बिल्कुल सेम उसका वैसे ही बनेगा। थैंक यू। अब अगर हम देखें डी फ्लिप फ्लॉप को, तो डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि जो हमारा सेम लैच हमने बनाया था क्यू और क्यू वन का, जो सेम लैच था क्यू और क्यू नॉट वाला, एस एस आर वाला, यहाँ तक हमारा बिल्कुल सेम है। और जो डी की वैल्यू, पहले हम क्या कर रहे थे कि एस अलग भेज रहे थे और आर अलग से भेज रहे थे, यहाँ पर एस और आर अलग से नहीं भेज करके डी फ्लिप फ्लॉप में क्या किया जाता है कि डी फ्लिप फ्लॉप में एक ही इनपुट जाता है और वो उस वैल्यू को का इन्वर्ट करके दूसरे गेट में भेज देता है, यानी रीसेट वाले गेट में, रीसेट वैल्यू में वो उसकी इन्वर्ट वैल्यू भेज देता है। इतना ही फ़र्क है हमारे नॉर्मल एस आर फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप में। तो आगे के जे के फ्लिप फ्लॉप और आर फ्लिप फ्लॉप हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। That's all.